सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द लर्निंग वीडियो। आई होप आज आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी खासी रही होगी। अगर मैं बात करूंगा कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, बैंक निफ्टी ने, तो देखिए बहुत ही अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने आज हमें परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है। तो पहले देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी हमें सेलिंग स्टार्ट हो गई। हमने बात करी हुई थी कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक ग्रे कैंडल क्लोज नहीं करेगी हम अच्छा खासा अपसाइड के लिए नहीं जा सकते हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट हुई। सेलिंग हमारी कब तक हुई? जब जहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उस लेवल के आसपास तक सेलिंग हुई। अच्छा खासा मार्केट के अंदर इस लेवल पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पिन बार बना और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई। हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि इस रेंज के ऊपर अच्छी खासी एक सप्लाई जोन है, और मैं बात करूँ अगर इस रेंज के अंदर अच्छा खासा डिमांड जोन है, यानी कि बायर्स इस लेवल पर बैठे हुए हैं और सेलर्स अप साइड की लेवल से बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक साइडवेज रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो हो सकता है कि फर्दर मूवमेंट आ सकती है, जो कि हमने कुछ लेवल्स डिस्कस कर रखे थे। देख लेते हैं एक बार मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे सपोर्ट किया, फिर एक अच्छी खासी कॉल हेड के लिए रिकवरी दी मार्केट ने। इस बार देखिए हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लिया, दूसरी ग्रे कैंडल क्लोज करी, हमने एंट्री बनाई इस लेवल के आसपास, जैसे क्लोज करी मार्केट ने। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे तो आपको अच्छा खासा एक यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। लोगों ने अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे अच्छी खासी इस लेवल पे एंट्री बनाई, लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया जो कि मार्केट का रेजिस्टेंस टॉप पे था, रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग कहाँ तक स्टार्ट हुई? इस लेवल तक। इस लेवल तक स्टार्ट हुई क्योंकि यहाँ पर मार्केट की अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो इस लेवल पर देखिए मार्केट ने आया, सपोर्ट लिया और इस लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पर सपोर्ट का काम करी, यानी कि इस लेवल पर अच्छा खासा डिमांड जोन बन गया। मार्केट इस लेवल से फिर से एक अपसाइड के लिए मूव करता हुआ गया, लेकिन पूरा का पूरा रेंज बाउंड जोन था। हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर आपको 11 बजे के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप समझिए कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज होने वाला है। हमने बहुत ही रेयर देखा है कि मार्केट के अंदर 11 बजे के बाद मूवमेंट आती है, लेकिन वैसा आज फिर से हमें देखने को नहीं मिला। देखिए 11 बजे यहाँ पे मूवमेंट खत्म, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग हुई, इसके अंदर थोड़ा सा बहुत प्रीमियम इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से पूरा रेंज बाउंड था। होल डे मार्केट ने इसी रेंज के अंदर मूवमेंट किया और फाइनली जब मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दे पाई यहाँ पे, और हमने डिस्कस भी किया हुआ कि जब तक क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है कॉल साइड के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रे कैंडल की, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर या फिर आप चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं मिली है, तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई, प्रॉपर सेलिंग हुई। सेलिंग कहाँ तक हो सकती है? जो कि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पहला, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि मार्केट का रेजिस्टेंस भी था। इस लेवल पर अच्छे खासी फिर से सेलिंग हुई और फिर से हमारा उसके बाद दूसरा लेवल क्या बना, जो कि मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस पे मार्केट ने पुल बैक दिया था, अच्छी खासी इस लेवल पे रिटेस्ट किया था और ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था, फिर से उसी लेवल पे मार्केट आई है और यहाँ पे क्लोजिंग दी है और फिर से इस लेवल से एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे बन चुका था डिमांड जोन और डिमांड जोन से हमेशा बायर बैठे हुए थे। फिर से यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली, डिप में बाइंग हो रही है अभी फिलहाल। तो देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करूंगा कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक मैं ट्रेड लाइन को पहले ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक स्लोप बनता हुआ नजर आ रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकआउट दे, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार ट्राई किया था इस लेवल पे लेकिन फिर से अंदर आ गया। तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, एक ग्रे कैंडल क्लोज नहीं करता, यानी कि 46,570 का ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो अच्छी खासी हम जाएंगे फर्स्ट लेवल के लिए। 46,700 का पहला लेवल देखने को मिलेगा, दूसरा लेवल 46,775 का, ये आपको दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके पैरेलल पे ही अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है और एक सपोर्ट जोन भी है। तो वो हो गया मेरा दूसरा लेवल, पहला लेवल और दूसरा लेवल। अब डिस्कस करेंगे पुट साइड के लिए। तो पुट साइड के लिए मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए कब आ सकता है? जब फिर से रिटेस्ट करने के लिए, देखिए मार्केट क्या किया है, सपोर्ट पे एक बार डिप आया है, दोबारा ऊपर रिवर्सल आया है, और इस बार अगर डिप आता है और इस बार फिर से अपने रिटेस्ट को कंप्लीट कर देता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, क्लोजिंग दे देता है इस लेवल पे, तो अच्छी खासी हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अपना सपोर्ट है डाउन साइड के लिए 46,475, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के बिलो अगर एक रेड कैंडल क्लोज करता है, देखिए रेड कैंडल क्लोज करता है, स्पाइक नहीं आनी चाहिए और ना ही तो आपको पिन बार नजर आनी चाहिए। पिन बार आए तो भी समझ लीजिए कि वहाँ पर डिमांड जो अभी भी है, वहाँ पर सेलर्स अभी नहीं एंट्री कर पाए हैं, तो वेट करेंगे जैसे मार्केट इस लेवल के बिलो सस्टेन कर लेगा, क्लोजिंग दे देगा रेड कैंडल, उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे पुट साइड के लिए पहला लेवल 46,300 का, यानी कि एग्जैक्ट आपको 175 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है एक फर्स्ट लेवल। उसके बाद फर्दर आपको दूसरा लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से आपको 46,000 का लेवल दूसरा देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी मार्केट के अंदर हम लाइव है, अच्छा खासा मार्केट ने देखिए एक अपसाइड के लिए पुल बैक दिया है,
और हम वेट करेंगे, तुरंत ही एंट्री नहीं बनाएंगे कॉल साइड के लिए। हमने आपको बताया अभी तुरंत तुरंत कि मार्केट जब तक क्लोजिंग को क्लोज नहीं करेगा, यानी कैंडल को क्लोज नहीं करेगा, तब तक एंट्री नहीं बनानी चाहिए हमें। क्योंकि मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है ट्रेडर्स को कि ऐसे स्पाइक करेगा, उनके ट्रिगर प्राइस पे आएगा, वो बाई कर लेते हैं, और वहीं से वहाँ से हमें सेलर सेलिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो बाई किया हुआ है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से कुछ लोग यहाँ से बाइंग स्टार्ट करते हैं और जो सेलर्स वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं और नीचे तरफ आना स्टार्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि वहाँ से डिप आने वाला है, लेकिन वहाँ से पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जो कि उनको पता नहीं कि लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन रेजिस्टेंस से ऊपर मिलती है ना कि नीचे। देखिए मार्केट ने अभी तक भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो अभी तक बायर नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, अभी तक सिर्फ यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं जो कि भी सेल कर रहे हैं लगातार अपने प्रॉफिट को। हम बाई कब करेंगे, जब इस लेवल के ऊपर आएगा मार्केट, यानी कि जब ये सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम अच्छे खासे इस लेवल के ऊपर बाई करेंगे, नीचे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए।